रविवार को देश भर में यूपीएससी 2024 की परीक्षा में लाखों छात्रों ने हिस्सा लिया। हरियाणा के गुरुग्राम में एक परीक्षा स्थल पर लड़की सेंटर पर देरी से पहुंची तो उसे अंदर जाने से रोक दिया गया। दुखी होकर लड़की की मां और पिता सड़क पर रोते रहे, लेकिन परीक्षा आयोजकों का दिल नहीं पसीजा। इसका दिल दहला देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। लड़की की मां गेट पर लौटती हुई नजर आई और बेटी को अंदर आने की विनती करती रही। उसके पिता को सर पकड़कर चिल्लाते तो कभी मिन्नतें करते देखा जा सकता है। उठकर चिल्लाते हुए वो कह रहे थे, शाप लगेगा तुम्हें, भगवान के लिए अंदर आने दो। घटना गुरुग्राम के एक परीक्षा केंद्र के बाहर की बताई गई है। बीते रविवार को संघ लोक सेवा आयोग ने देश भर के विभिन्न केंद्रों पर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 आयोजित की थी और इसमें लाखों छात्र शामिल हुए। पहला सत्र सुबह 9 बजे से शुरू हुआ। देर से पहुंचने पर एक महिला अभ्यर्थी को गेट के अंदर एंट्री नहीं मिली, जिसके बाद ये पूरा हंगामा एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर घटित हो गया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को एक्स पर एक यूजर ने शेयर किया। वीडियो में दिख रहा है कि लड़की की मां बेहोशी की हालत में गेट पर लौटती हुई दिखी है। दूसरी तरफ लड़की के पिता को रोते बिलखते देखा जा सकता है। लड़की क्लिप में कहती दिख रही है, पापा पानी पियो, क्यों ऐसे कर रहे हो, पापा हम अगली बार दे देंगे। कुछ ऐसी बात नहीं है, मैं अगले साल परीक्षा में बैठूंगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहीं इस पर रोते हुए पिता कहते हैं, एक साल गया बाबू हमारा। जिस पर वो जवाब देती है, कोई बात नहीं, उम्र नहीं जा रही है मेरी, अभी मैं जवान हूँ। उधर पिता और बेटी रोती हुई माँ को सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। वहीं लड़की की माँ गेट पर लौटती हुई दिखाई देती हैं। वो बार बार बस यही बोलती हैं कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।